भोजपुरी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन कहलाने वाले रवि किशन की खुद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहा जाता है रवि किशन को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तब उन्हें पेल्टों से पीटा गया। इतना ही नहीं, बचपन से उनका एक्टिंग का जुनून उन्हें रामलीला की तरफ खींचता रहा। उन्होंने बचपन में रामलीला में सीता का किरदार भी निभाया है, लेकिन उनके सपने यहाँ तक कहाँ रुकने वाले थे, वो तो बड़े उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। जहाँ रवि किशन ने मात्र 500 रूपए लेकर मुंबई का सफर तय किया और अपना घर छोड़ दिया। ये 500 रूपए भी उन्हें उनकी माँ ने ही दिए थे। रवि किशन ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि अगर उनकी माँ उनके सपनों पर भरोसा नहीं करती तो आज वो जो है वो नहीं बन पाते। सालों स्ट्रगल करने के बाद रवि किशन के हाथ लगी तेरे नाम, जिसमें उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। इसके बाद रवि किशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो एक्टिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक धमाल मचा रहे हैं।